दोस्तों, लाइट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर इस ब्रह्मांड में लाइट नहीं होता तो चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा फैला होता। और तो और, हमारी आंखें भी किसी चीज को केवल लाइट के वजह से ही देख पाती है, यानी कि बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं पाते। दोस्तों, लाइट से रिलेटेड आपके कई सवाल हमें अक्सर मिलते रहते हैं और हम उनका जवाब आपको देते रहते हैं, पर कई ऐसे सवाल होते हैं जो काफी कॉमन होते हैं, यानी कि काफी सारे लोग बिल्कुल सेम सवाल बार बार हमसे पूछते रहते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ एपिसोड्स के जरिए क्यों ना इन सवालों के उत्तर ही दे दिए जाएं, ताकि इनको देखने के बाद सेम सवाल पूछने की आपको कोई जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लाइट से संबंधित दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि स्कूल में हमने पढ़ा था कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है। हम ये भी जानते हैं कि फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, तो इनका मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। यानी कि फोटॉन्स के पास मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी। तो सवाल ये है कि मासलेस होने के बावजूद फोटॉन्स के पास मोमेंटम और एनर्जी कैसे हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि चाहे रेफरेंस फ्रेम कोई भी हो, लाइट हमेशा केवल लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल क्यों करता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हम जानते हैं कि फोटॉन्स मासलेस होते हैं, यानी कि फोटॉन्स का कोई भी मास नहीं होता। पर क्या आपको ये पता है कि यहाँ हम किस मास की बात कर रहे हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मास तो मास होता है, इसमें किस मास की क्या बात है। पर रियल में ऐसा नहीं है। जब भी हम काफी तेज गति से ट्रेवल करने वाले फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वहाँ स्पेशल रिलेटिविटी का प्रिंसिपल लागू होता है। और स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार ऐसे ऑब्जेक्ट्स के दो तरह के मास होते हैं, एक रेस्ट मास और दूसरा रिलेटिविस्टिक मास। ये दो तरह के मास क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जनरली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात करते हैं, तो असल में हम उसके रेस्ट मास की ही बात कर रहे होते हैं, और ये मास हमेशा सेम ही रहता है, यानी कि ये कभी बदलता नहीं है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि फोटॉन्स मासलेस होते हैं, दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है। पर अगर इसके रिलेटिविस्टिक मास की बात करें तो वो जीरो नहीं होता है। फोटॉन्स के मास के बारे में विस्तार से हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आइए अब मूल सवाल पे आते हैं। तो स्कूल में हमने पढ़ा था कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है। इसमें पी मोमेंटम होता है, मास एम होता है और वी वेलोसिटी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो, तो उसका मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इस हिसाब से फोटॉन्स का मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका मास भी जीरो होता है। पर क्या फोटॉन्स का मोमेंटम वाकई में जीरो होता है? जी नहीं, फोटॉन्स का मोमेंटम जीरो नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होना कैसे मुमकिन है। आइए जानते हैं। दरअसल P इज इक्वल टू एम वी के जिस फॉर्मूले को आधार मानकर आप फोटॉन्स के मोमेंटम को जीरो होने की बात कह रहे हैं, वो केवल भारी और स्लो ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है। यानी कि मोमेंटम का ये फॉर्मूला केवल उन ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है जिनकी स्पीड लाइट के स्पीड के केवल 10% स्पीड तक ही सीमित हो। फोटॉन्स जैसे तेज रफ्तार से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम निकालने के लिए हम अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मास का कोई रोल नहीं होता। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट में बिना कोई मास के भी मोमेंटम हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, और इसके बाद ये जानेंगे कि ऐसा होना आखिर संभव कैसे है। दोस्तों, आप आइंस्टाइन के इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को तो जरूर जानते होंगे, जो हमें बताता है कि मास और एनर्जी में कोई अंतर नहीं है। यानी कि मास एनर्जी बन सकता है और एनर्जी मास। पर क्या आपको ये पता है कि ये पूरा इक्वेशन नहीं है, ये तो बस एक स्पेशल केस है।
दरअसल इसका पूरा इक्वेशन ये है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। इस इक्वेशन में ई टोटल एनर्जी है, पी पार्टिकल का मोमेंटम है जो कि इसके मोशन से संबंधित है, सी लाइट की स्पीड है और एम पार्टिकल का मास है, या बेहतर होगा कि ये कहें कि एम उस पार्टिकल का रेस्ट मास है। ये इक्वेशन एक पार्टिकल के एनर्जी और मोमेंटम के रिलेटिविस्टिक डेफिनेशन से डेराइव होता है। दोस्तों, मैं इस इक्वेशन को यहाँ डेराइव करके आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसे कैसे डेराइव किया गया तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं इस इक्वेशन पे। ये हमें बताता है कि किसी पार्टिकल का टोटल एनर्जी उसके मास एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका ये मतलब भी हुआ कि किसी पार्टिकल के पास एनर्जी होने के लिए उसमें मास का होना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि फोटॉन्स का मास ज़ीरो होता है। इस आधार पर इस इक्वेशन में अगर हम m को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास e इक्वल टू pc बचेगा, जिसे हम e इक्वल टू e बाई c भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स में मोमेंटम होने के लिए उसमें मास का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, इसलिए फोटॉन्स के पास बिना मास के भी मोमेंटम होता है। इस फॉर्मूले से तो आपने जान लिया कि फोटॉन्स के मासलेस होने के बावजूद उसमें मोमेंटम क्यों होता है, पर केवल इक्वेशन शायद आपको संतुष्ट ना कर पाया हो, तो आइए इसे बिना इक्वेशन के भी समझते हैं। नॉर्मली हम यही जानते हैं कि किसी पार्टिकल में मोमेंटम होने के लिए उसमें मास होना ज़रूरी होता है, पर अगर वो एक वेव है तो मोमेंटम एक्वायर करने के लिए उसे मास की ज़रूरत नहीं होती। एक वेव अपने मोमेंटम को अपने वेविंग मोशन के जरिए ट्रांसपोर्ट करता है, न कि मास वाले किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करके। चूँकि लाइट पार्टिकल के अलावा वेव नेचर भी शो करता है, तो वेव के प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करता है, इसलिए इसे मोमेंटम एक्वायर करने के लिए मास की ज़रूरत नहीं होती। आइए वेव के इस नेचर को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? साधारण भाषा में अगर कहें तो मोमेंटम मोशन में चल रहे किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमें बताती है कि जब ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उस ऑब्जेक्ट पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम हाई हो, जैसे कि तेज़ी से चलता हुआ एक ट्रक, और वो रोड पे रखे बैरल से जा टकराए, तो हम देखते हैं कि उन बैरल का कितना बुरा हाल होता है। अब अगर वेव की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इन्हें मोमेंटम एक्वायर करने के लिए मास की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक विशाल वाटर वेव भी जब किसी बैरल से टकराता है तो मोमेंटम के कारण उन बैरल्स को अपने जगह से हिला देता है, और वो भी बिना कोई मास पोजेस किए। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं कि यहाँ पानी का मास ज़रूर होता है, पर इसके वेव का कोई मास नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि मासलेस होने के बावजूद भी फोटॉन्स के पास मोमेंटम क्यों होता है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे और जानते हैं उसका उत्तर। तो सवाल ये था कि लाइट हमेशा लाइट के रफ्तार से ही ट्रैवल क्यों करता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो के शुरू में हमने जिस इक्वेशन की बात की वो था ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़ीरो है और वो रेस्ट में भी है। रेस्ट में होने के वजह से उसका मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन में मास और मोमेंटम दोनों के वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमें टोटल एनर्जी भी ज़ीरो ही मिलेगा। पर यहाँ हमें एक मज़ेदार सिनेरियो देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिसका मास भी ज़ीरो हो और एनर्जी भी। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता हो जिसका मास ज़ीरो हो तो वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रह सकता। फोटॉन्स पे भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल लागू होता है। इसलिए हम चाहे कोई भी रेफरेंस फ्रेम क्यों ना लें, ये कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर ये रेस्ट में नहीं रह सकता तो आखिर ये किस स्पीड से ट्रैवल करेगा। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा स्पीड जो हो सकती है
वो होती है c की। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर c से कम हुई तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस स्पीड को प्राप्त कर ले। अब फोटोन अगर c से कम स्पीड से ट्रैवल करने लगे और उसके साथ भी उसी स्पीड से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर ट्रैवल कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस फ्रेम से फोटोन रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे दो गाड़ियां जब सेम स्पीड से चलती हैं तो उन दोनों गाड़ियों पे मौजूद लोगों को दोनों गाड़ियां रुकी हुई जैसी दिखती हैं। पर हमने अभी देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि मास जीरो हो वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं हो सकते, चाहे रेफरेंस फ्रेम कोई भी क्यों ना हो। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही स्पीड ऐसी है जिसको अगर कोई ऑब्जेक्ट अचीव कर ले तो रेफरेंस फ्रेम चाहे कोई भी क्यों ना हो वो हमेशा उसी स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा, और वो स्पीड है इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल स्पीड लिमिट यानी कि सी। इसलिए लाइट हमेशा इसी रफ्तार से चलती है, और लाइट ही क्यों, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास जीरो हो वो हमेशा इसी स्पीड से चलेगी। आशा करता हूँ कि आपके ये डाउट्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें वरना हमारे नए वीडियोस आप मिस कर देंगे। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है विज्ञान टीवी इंडिया। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।